सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार, जो कि शब्दालंकार है, और समझते हैं कि श्लेष होता क्या है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जहां पर एक शब्द होता है और उसके साथ अनेक अर्थ, दो या दो से ज्यादा अर्थ जब चिपके हुए होते हैं तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी। वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लेष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असाव अक्षर आदि भीर अष्टधा। ये क्या कह रहा है? वाच्य भेदेन, वाच्य के भेद होने पर, वाच्य अर्थ, अर्थ के भेद होने पर, वाच्य के भेद होने पर भिन्ना भिन्न भिन्न, यद जो या जहां, युगपत, युगपत होता है एक साथ, भाषण स्पृश, भाषण स्पृश यानी कि बोलना, उच्चारण का विषय होना, श्लेष्यन्ति शब्दः, वो शब्द जो होते हैं श्लिष्ट होते हैं। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? वाच्य के भेद होने पर भी जो भिन्न भिन्न शब्द हैं वो एक साथ उच्चारण का विषय होने पर श्लिष्ट प्रतीत होते हैं। अर्थात जब हम बात करते हैं कि अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ है तो उनके शब्द भी अनेक होंगे। एक शब्द का एक अर्थ, दूसरे शब्द का दूसरा अर्थ, यानी कि जितने शब्द है उतने ही अर्थ होंगे। लेकिन यहाँ पे श्लेष अलंकार जो है वो क्या कहता है कि भले ही अर्थ अनेक हो लेकिन उनका जो उच्चारण हो रहा है शब्द का, वो शब्द एक बार ही उच्चारित होता है, यानी कि एक ही शब्द होगा उसके अर्थ अलग अलग लगेंगे। जैसे यमक अलंकार हम करते हैं उसमें भी क्या होता है कि शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन वहां पे एक शब्द का एक अर्थ होता है और उसके जैसा ही दूसरा शब्द होता है उसका दूसरा अर्थ। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो एक दोहा आता है, कनक कनकते सोगुनी, तो वहां पे जो कनक और कनक शब्द है, एक का गेहूं अर्थ है, एक का दतूरा सोना, ऐसे करके अर्थ, दो शब्द कनक और कनक बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हम एक लक्ष्मी शब्द को लेते हैं, लक्ष्मी शब्द का दो बार प्रयोग किया जाए, लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे करके, तो एक लक्ष्मी अर्थ देगी धन का और एक लक्ष्मी अर्थ देगी नाम का, जो स्त्री विशेष नाम होता है उसका। तो यहाँ पे लक्ष्मी शब्द का प्रयोग भी दो बार किया और अर्थ भी दो निकले। लेकिन जब श्लेष अलंकार होते हैं वहां पे एक ही बार शब्द का प्रयोग होता है लेकिन अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न निकलते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि वाच्य भेद होने पर भी जहां पर शब्द का उच्चारण जो है वो एक बार ही हो, युगपद भाषण स्पृशः, एक बार उच्चारण का जब वो विषय बन जाता है तो वे शब्द कैसे होते हैं, वो श्लिष्ट प्रतीत होते हैं। वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेषो अशो अक्षर आदि भी ही अष्टधा, और ये अक्षर आदि के द्वारा आठ प्रकार के होते हैं। तो श्लेष अलंकार जो, उसके भेद कितने हो गए? आठ भेद हो जाते हैं। और वो भेद कौन से हैं? वो ये है, वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचनानाम भेदाद अष्टधा, यानी कि वचन, ये आठ हो गए हैं, आठ ही शब्द हैं और इनके आठ ये भेद हैं, इनके आठ ही उदाहरण अलग अलग हैं कि उनमें पता चलेगा कि वर्ण के कारण कहां पर श्लेष हो रहा है, पद में कहां श्लेष हो रहा है, लिंग में कहां श्लेष हो रहा है, भाषा में, विभक्ति में, प्रत्यय में, ऐसे अलग अलग उदाहरण देके हमें समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला हमारा है वर्ण। वर्ण क्या होता है? जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, जैसे क है, ख है, ऐसे करके, ई है, उ है, अ है, जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं ये वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो उदाहरण है वो वर्ण का दिया गया है कि एक वर्ण के कारण ही अर्थ अलग अलग हो रहा है। देखते हैं, अलंकार शंका करण कपाल परिजनो विशेण अंगो भृंगी वसुच वृष एको बहुवया अवस्थेम स्थानोरपि भवति सर्व अमर गुरो विदो वकरे मूर्धनी स्थितवती वयम के पुनरमी। अब ये जो श्लोक है ये शिव के बारे में बता रहा है कि शिव जो है वो कैसे हैं, उनके पास क्या साधन है, क्या नहीं है, क्या संपत्ति है, वो बता रहे हैं। और जो यहाँ पर एक शब्द है विधु, इसमें श्लेष को दिखाएंगे। पहले हिंदी देख लेते हैं क्या है। अलंकार शंका करण कपाल परिजन, शंका करण, शंका उत्पन्न करने वाली, भय को उत्पन्न करने वाली या भय का जो कारण है, शंका करण कपाल, खोपड़ी को कहते हैं, परिजन मनुष्यों की, अपने ही जनों की, अलंकार है, अलंकार है, यानी कि भय को उत्पन्न करने वाली परिजनों की खोपड़ी ही जिसका अलंकार है। ये शिव का वर्णन कर रहे हैं कि शिव जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका अलंकार क्या है, उनकी धन संपत्ति क्या है, ये सब वर्णन कर रहे हैं कि उनका अलंकार तो क्या है। क्योंकि शिव को जब भी अगर हम कोई मूर्ति इत्यादि देखें तो क्या होता है कि उन्होंने कपालों की माला, वो मुंडों की माला पहनी होती है, ये उनका अलंकार है।
विशीर्ण अंगो भृंगी, विशीर्ण अंग वाला, गलित अंग वाला भृंगी ही उनका सेवक है। वसुचय वृष एको बहुव्याह, बहुव्याह होता है बहुत उम्र वाला, एका एक, वृष बैल, वसु च और वसु संपत्ति, और उनकी संपत्ति क्या है, बहुत उम्र वाला एक बैल, यानी कि जो बूढ़ा हो गया है वो वाला बैल उनकी संपत्ति है। अवस्था इयम, यह अवस्था, स्थाणोरपि, स्थाणु शिव को कहते हैं, स्थाणु स्थाणु की, शिव की भवती होती है, और जो क्या है, सर्व अमर गुरु हो, सबके गुरु हैं, यानी कि देवता आदि जो भी हैं उनके भी जो गुरु हैं, परम गुरु है, या उनसे उन देवताओं में जिनका ऊंचा स्थान है, ऐसे जो शिव हैं उनकी ये अवस्था है। और क्या विशेषता है, विधौ वक्रे मूर्धनी स्थितवती, विधौ, अब जो मेन शब्द ये है, अभी हम जब शिव का वर्णन करते हैं तो विधौ का अर्थ यहां लेते हैं चंद्रमा, वक्रे टेढ़े, टेढ़े चंद्रमा के मूर्धनी शिखर पर, यानी कि मस्तक पर स्थितवती, स्थित होने पर भी। अब देखिए जो शिव है उनके मस्तक पर चंद्रमा स्थित है, तो उस चंद्रमा के मस्तक पर स्थित होने पर भी क्या क्या है, इनके अलंकार क्या है, परिजन का जो कपाल है वो उनका अलंकार है, और भृंगी जो है वो सेवक है, एक बहुत बड़ी उम्र का बैल उनका धन है, और जिन अभी क्या है, मेन चीज क्या है, जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा स्थित है उनकी भी ये अवस्था है, उनका अलंकार कैसा है, उनकी धन संपत्ति कैसी है, सेवक कैसे हैं। अब देखिए जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है उनके पास तो बड़ी संपदा होनी चाहिए, बहुत कुछ ऐश्वर्य होना चाहिए, लेकिन उनकी जब ये स्थिति है, वयम के पुनर्मी, फिर हमारा क्या होगा, हम तो तुच्छ से जीव है, जब शिव की ये स्थिति है तो हमारी क्या होगी। अब ये शिव की बात करें, परिपेक्ष में बात करें तो ये अर्थ निकलता है, विधु का क्या अर्थ निकलता है, चंद्रमा। जब हम बात करते हैं हमारे परिपेक्ष में किसी मनुष्य विशेष के, तो वो क्या कह रहा है कि जिसके पास इतनी धन संपदा भी हो, विधु, विधु का एक अर्थ होता है भाग्य, वक्रे विपरीत होने पर, टेढ़े होने पर, यानी कि भाग्य के विपरीत होने पर जब उनकी ये स्थिति, तो हमारा क्या। जब हम शिव की बात कह रहे हैं कि जब चंद्रमा उनके मस्तक पे तब भी उनकी ये स्थिति है, तो वैसे ही कोई यदि धनवान व्यक्ति है, अगर किस्मत खराब हो, भाग्य थोड़ा टेढ़ा हो जाए, विपरीत हो जाए, तब उनकी स्थिति, तो हमारा कहना ही क्या। अब देखिए जो मेन शब्द है यहाँ पे विधु, ये बना कैसे है, एक शब्द है विधि, एक शब्द है विधु, देखिए यहाँ पे इकार और उकार, बस इतना ही अंतर है, विध के साथ जब इकार किया तो विधि बना, उकार किया तो विधु बना। जब विधि कहते हैं तो इसका अर्थ होता है भाग्य, और विधु कहते हैं तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा, और दोनों में ही जब सप्तमी विभक्ति बनाते हैं, सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो होता है वो विधि और विधु दोनों का ही विधो बनता है, विधि और विधु दोनों का ही सप्तमी विभक्ति एक वचन जो है वो विधु बनता है। अब देखिए यहाँ पे वर्णश्लेषण है ना, एक वर्ण के कारण अर्थ अलग हो रहे हैं, जब इकार करते हैं तो भाग्य अर्थ देता है, और जब उकार करते हैं तो चंद्रमा अर्थ देता है, तो यहाँ पे वर्णश्लेष हो गया। ये जो हमारा उदाहरण है वो वर्णश्लेष का है, और वर्णश्लेष में भी यदि बात करें तो किस शब्द विशेष में पता चलेगा, वो है हमारा विधौ शब्द, यहां पर मुख्यतः वर्णश्लेष अलंकार होता है। दूसरा है हमारा पद, पदश्लेष कहां होता है, पद क्या होता है, जहां पर विभक्ति लग जाती है, एक शब्द वो बन जाता है उसको, जैसे ये जो है विधु, अगर हम इकार उकार की बात कर रहे हैं तो वर्ण है, लेकिन एक शब्द पूरा लेते हैं, विधु को लेते हैं, तो ये एक पद कहलाता है। तो यहां पर जो दूसरा उदाहरण है वो पदश्लेष का है, कि पद में श्लिष्टता कहां आती है, एक ही पद के दो अर्थ या ज्यादा कैसे निकलते हैं, तो ये उदाहरण है हमारा, और इम्पोर्टेंट भी है, मुख्यतः प्रश्न पत्र जब भी कोई आता है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पृथु कार स्वर पात्रम भूषित निशेष प्रेजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। अब ये देखिए पृथु कार स्वर पात्रम, एक ये है, दूसरा ये है भूषित निशेष परिजन, और तीसरा है विलसत करेणु गहनम। ये तीन बातें हैं यहाँ पे, और तीनों ही दो अर्थ दे रही है, एक देगी राजा के पक्ष में और एक देगी भिखारी के पक्ष में। अब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, जब हम राजा की बात करते हैं तो कैसे होगा, पृथु कार स्वर पात्रम, पृथु जो बहुत बड़ा महान,
कात स्वर होता है स्वर्ण, सोना, पात्र, जहां पर बहुत बड़े सोने के पात्र हैं कि राजा पक्ष में, जब राजा की बात करते हैं तो बहुत ऐश्वर्य है और उसके घर में क्या होंगे, सोने के पात्र होंगे। भूषित, सुशोभित है, अलंकृत है। निशेष परिजनम देव, हे देव, हे राजन, निशेष परिजन, जितने भी परिजन हैं आपके परिवार के घर के, वो भूषित अलंकारों से सुशोभित है। विलसत करेणु गहनम, विलसत विलास कर रहे हैं, कौन, करेणु हथिनिया, गहनम बहुत सारी, यानी कि भरा हुआ है, ऐसी हथिनिया जो विलास कर रही है उससे आपका जो महल है या घर है वो भरा हुआ है। संप्रति अब समम, समान हो गया है। आवयो, हमारा सदनम, घर, एक भिखारी कह रहा है ये बात कि आपका, राजा को कह रहा है कि आपका और मेरा घर जो है वो बराबर हो गया है। कैसे हो गया, राजा के पक्ष में तो ये बात हो गई, अब उसके जो गरीब व्यक्ति है, जो भिखारी है, उसके पक्ष में बात करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, पितुक, पहले हमने क्या लिया था, पृथु, राजा के पक्ष में हमने पृथु लिया था, महान, बड़ा, और भिखारी के पक्ष में हम लेंगे पृथुक। पृथुक होता है बालक। पृथु का नाम आर्तस्वर पात्रम, यानी कि जिसके घर में बच्चों का आर्तस्वर होता है रोना, रोने की आवाज है, यानी कि जिसका घर बच्चों के रोने की आवाज से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है, क्योंकि उसके यहाँ खाने पीने को नहीं है तो बच्चे भूख के कारण रो रहे हैं, तो ये पृथुक क्या होगा, बालक, जिसका घर बालक के रोने की आवाज से भरा हुआ है। यहाँ पे हमने लिया था भूषित, निशेष परिजनम, भूषित लिया था, अलंकृत, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पद के टुकड़े कर देंगे, भू उषित, ये तो भूमि पे उषित सोने वाले। निशेष परिजनम, कि जिसके घर में लोग जो हैं, सदस्य जो हैं, परिजन जो हैं, भूमि पर सोते हैं। यहाँ पे भूषित शब्द जब कहा था तो अलंकृत थे, वो शोभायमान थे, अलंकारों से सुसज्जित थे, और जब गरीब के पक्ष में बात कर रहे हैं, भिखारी के पक्ष में, तो उनके घर वाले परिजन कैसे हैं, वो भूमि पर सोने वाले हैं, भू उषित। फिर है, यहाँ पे हमने लिया था विलसत, विलास कर रही हैं, करेणु हथिनिया, और यहाँ पे क्या लेंगे, विलसत क, इतना लेंगे। इसका क्या अर्थ है, जहां पर खोद दिया गया है, चूहों के द्वारा जब खोद दिया जाता है किसको, रेणु मिट्टी या रेत, गहनम से भरा हुआ है, कि उसके घर में चूहों ने खोद खोद के, बिल खोद खोद के उसको मिट्टी से, रेत से भर दिया है। उसका घर कैसा है, चूहे के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से भरा हुआ घर है, और राजा के पक्ष में क्या था, वहां पे हथिनियों के विलास से भरा हुआ वो घर है। तो यहाँ पर पदों के, और फिर क्या हो गया कि इस प्रकार हम दोनों का जो घर है एक समान लगता है। जब अर्थ हम ये करते हैं कि बहुत सारे सोने के पात्र से भरा हुआ है तो राजा का घर है, और बालक के रोने की आवाज से भरा हुआ है तो भिक्षुक का घर है, जब भूमि पे सो रहे हैं परिजन तो भिखारी का है, और जब अलंकृत हैं जिसके परिजन तो राजा का है, और फिर जब बिल खोदने से रेत का ढेर लग गया वो भिखारी का घर है, और जहां पे हथिनिया विलास कर रही है उससे भरा हुआ वो घर है तो वो राजा का है। तो यहाँ पे क्या है, पद के कारण, देखिए पहला उदाहरण था वहां पे इकार और उकार एक वर्ण के कारण श्लेष हो रहा था, और यहाँ पे पद के कारण हो रहा है। जब हम पृथु इसको इतना पद करते हैं तब अलग अर्थ है, इतना करने पे अलग है, जब इसको एक साथ रखते हैं तो अलग अर्थ आता है, जब इसको अलग अलग कर देते हैं, पद को भंग कर देते हैं तो अलग अर्थ आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे पद भंग होने के कारण इसको क्या कहेंगे हम, पद श्लेष भी है और पद भंग श्लेष उदाहरण भी बनता है ये, अगर एग्जाम में पद श्लेष पूछा जाए तब भी ये, और पद भंग भी या सभंग पद भी पूछ लिया जाए तब भी ये उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पद को भंग करके अर्थ परिवर्तित होता है। उसके बाद आता है लिंग, तीसरा हमारा है लिंग। ये जो उदाहरण है ये लिंग श्लेष तो है ही है, इसके साथ में जो हमारा आठवां भेद है वचन, वचन श्लेष भी है। इस एक ही उदाहरण में लिंग और वचन दोनों का श्लेष हमें दिखाई देगा, इसलिए वचन श्लेष का अन्य उदाहरण नहीं दिया गया, इसी में दोनों को कवर कर लिया गया है। देखते हैं क्या कह रहे हैं, भक्ति प्रभु विलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल प्रधिनी ध्यान लम्बनताम समाधि निरतई नीते हित प्राप्त लावणस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी दृशोस्तनवती युष्माकं करुताम भवार्थी शमनम नेत्रे तनूरवा हरे। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो ये चार लाइन का ये श्लोक है, मुख्य जो लाइन है वो हमारे लिए ये वाली लाइन है, जो चौथी लाइन है वो है, इसमें एक शब्द है नेत्रे, एक शब्द है तनु, हरि के नेत्र और तनु, ये दो शब्द है, दोनों ही क्या है, नेत्र और तनु दोनों ही
करता है। पहले हिंदी देख लेते हैं फिर समझते हैं कि श्लेष कैसे हो रहा है। अब दो शब्द हैं ये नेत्र और तनु, एक बार ये नेत्र के अकॉर्डिंग बात करेगा, एक बार तनु के अकॉर्डिंग बात करेगा। भक्ति प्रभो विलोकन पण, यानी भक्ति प्रभा जो भक्ति में नत है या भक्ति में नम्र हो गए हैं, विलोकियन उनको देखने के लिए, देखते हुए पण यानी अनुराग से युक्त। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पहले नेत्र की, हरि के नेत्र और हरि के तन की बात हो रही है। तो हरि के जो नेत्र हैं, नेत्र दो होते हैं, नेत्र शब्द जो है ये द्विवचन का है कि दो नेत्र हैं, वो कैसे हैं जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनको देखने के लिए अनुराग से युक्त हैं हरि के नेत्र। दूसरा विशेषण क्या है, नीलोत्पल स्पृधिनी। नीलोत्पल क्या होता है, नीलकमल, उससे स्पर्धा करने वाले। ध्यान लंबनताम समाधि निरतहि नीते हित प्राप्ति, जो ध्यान समाधि में, जो समाधि में युक्त है, समाधि में लगे हुए योगी जन है, हित प्राप्ति अपने हित की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इष्ट सिद्धि के लिए ध्यान लंबनताम जो ध्यान का विषय बनाए हुए हैं ऐसे नेत्र। लावणस्य महानिधि, लावणस्य सौंदर्य की महानिधि, रसिकताम लक्ष्मी दृशोत्पन्नवती, और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के जो नेत्र हैं उनमें रसिकता को उत्पन्न करने वाले, ये नेत्रों के विशेषण की बात हो रही है। ये जो विशेषण अभी हमने बोले सब नेत्र के लिए है और सभी में द्विवचन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, ऐसे नेत्र, युष्माकम तुम्हारी, करुताम करे, भव अर्ती भव सागर रूपी जो दुख है शमनम उसका शमन करे, नेत्र तनुवा हरे, हरि के नेत्र और शरीर जो है, देह जो है, वो तुम्हें भव सागर के जितने दुख है उसका शमन करे, तुम्हारे दुखों का शमन करे। अब ये बात थी नेत्र के अकॉर्डिंग, अब तनु के अकॉर्डिंग, शरीर देह के अकॉर्डिंग और करते हैं कि भक्ति प्रभु विलोकन पण्यनी, भक्ति में जो नत है, नम्र है, भक्ति में जो लगे हुए लोग हैं, विलोकन पण्यनी वो लोग जिसको देखने के लिए अनुराग से युक्त है। कि अब पहले में क्या था, वो नेत्र उसको देख रहे हैं और यहाँ पे जो भक्त जन है वो शरीर को देखने के लिए अनुराग से युक्त है। नीलोत्पल स्पृधिनी और नीलकमल से स्पर्धा करने वाला वो देह है क्योंकि श्याम वर्ण है। ध्यान लंबनताम समाधि निरतई नीत हित प्राप्ते, अपनी इष्ट सिद्धि के लिए वही समाधि में युक्त जो योगी है उनके ध्यान का जो विषय बना हुआ है कि वो ध्यान में देखना क्या चाहते हैं, उस देह विशेष को। लावणस्य महानिधि और सौंदर्य की महानिधि है। रसिकताम लक्ष्मी दृश्योत्तरवती, और जो लक्ष्मी के नेत्र हैं उनके अंदर भी वो रसिकता को उत्पन्न करने वाला है, ऐसी वो देह है। तो ऐसी देह जो है तुम्हारे दुख को शमन करे, हरि की ऐसी देह। अब देखिए इसमें लिंग और वचन वहां पे श्लेष कैसे बनता है। जब नेत्र की बात करते हैं और लिंग की बात हम करें तो जो नेत्र शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, नपुंसक लिंग है और द्विवचन है। लिंग नपुंसक हो गया और वचन द्विवचन हो गया, तो लिंग भी है और ये वचन भी है। तनु की जब बात करते हैं तो क्या है, तनु हूं, ये स्त्रीलिंग है, तो ये लिंग की बात हो गई और ये एक वचन है तो ये वचन की बात हो गई। अब देखिए जितने भी ये हम विशेषण लगे हैं वो द्विवचन और एक वचन दोनों में ही लगे हैं। अब यहां पर जो करुताम शब्द आया है ये क्या है, जब नेत्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं नेत्र द्विवचन है तो करुताम भी क्या हो गया, द्विवचन हो गया। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। लेकिन जब तनु की बात करते हैं और ये परस्मै पद में है, परस्मै पद में जब हम करते हैं तो ऐसे ही बनता है भवतु भवताम, यानी कि लोट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो ये परस्मै पद होता है जब नेत्र के साथ ही जुड़ता है कि नेत्र तुम्हारे दुखों से दुखों का नाश करे, उसका शमन करे। और जब तनु की बात करते हैं, शरीर की करते हैं, एक वचन की बात हो रही है, तब क्या होता है, जैसे आत्मनेपद में एक धातु चलाते हैं उसका लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन बनता है एधताम, तो ये वो है, ये आत्मनेपद में। जब तनु के साथ आता है तो आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन होता है क्योंकि जो कर्ता होता है उसके अकॉर्डिंग क्रिया चलती है। और ये दो हमारे यहाँ पे करता है, नेत्रे भी और तनु भी, नेत्रे भी करता है तनु भी करता है। ये द्विवचन की बात कर रहा है, ये एक वचन की बात कर रहा है। तो जब करुताम इसके साथ लगता है तो ये क्या है, आत्मनेपद में,
एक वचन होता है, प्रथम पुरुष का लोट लगार होता है, और जब यहाँ पे नेत्र की बात करता है तो ये द्विवचन हो जाता है, परस्मई पद हो जाता है। ठीक है जी, क्या है ये? और एक महानिधि शब्द का और विशेष वर्णन इसमें किया गया है। महानिधि शब्द जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है, दीर्घिकार है। निधि शब्द अगर हम देखें तो निधि 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 निध्य ऐसे बनता है, तो ये द्विवचन का है। जब नेत्रे के लिए लगाया था तो लावण्य सौंदर्य की महानिधि, वो नेत्रों का वर्णन हो रहा था, तो ये है। और जब तनु के साथ लगाते हैं तो क्या है, यहाँ पे शब्द था महानिधि, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, विसर्ग को स भी मानते हैं, और स का फिर आगे रूप बन जाता है र, और आगे क्या है रसिकतम, आगे भी र, र और र। जो रोली सूत्र है उससे क्या हुआ, इस र का लोप हो गया, फिर ढलोपे पुरस्तर दीर्घोण, इससे ये दीर्घ हो गया, जो र से पहले वाला जो अण होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो ये शब्द बन गया महानिधि। तो ये है क्या वैसे, एक वचन का ही, तो इस शब्द विशेष का ज्यादा वर्णन किया गया है। अब ये क्या है, वचन और लिंग दोनों ही बता दिए, इसलिए वचन का आगे उदाहरण अलग से नहीं देंगे, यही लिंग का भी है और यही वचन का भी है। आप देखिए क्या था ये श्लेष अलंकार, जहां पे एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, और ये तीन उदाहरण हमने किए, चार भी कह सकते हैं क्योंकि ये लिंग और वचन दोनों के हो गए हैं। यहाँ पे वर्ण विधो में वर्ण का था, पद में ये तीन बातें थी, और लिंग में विशेष जो हमारे कर्ता ये है, इनके अकॉर्डिंग ये शब्द लगा है, एक करुताम इसमें विशेष है। ये हमारा श्लेष अलंकार था, और जो अन्य उदाहरण रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।